हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ, बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, बम्पर नंबर की सीट आई है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल वे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल, मतलब कंप्लीट डिटेल वे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सब रहने वाला है डिटेल्स। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, बम्पर सीट इसलिए बताया है फ्रेंड्स क्योंकि आपका ना अप्रॉक्स 6000 के आसपास आपका ये सीट आया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 5967 सीट्स पे वैकेंसी आई है। पोस्ट नेम अगर जैसे सिंपली कांस्टेबल है, जिसमें कि जीडी, ट्रेड एंड ड्राइवर तीनों ही सीट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है। इम्पॉर्टेंट डेट्स अगर देखें तो आपका ये फॉर्म स्टार्ट होगा 20 अक्टूबर 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 30 ऑफ नवंबर 2023 रहने वाला है। आइए देख लेते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको फी कितना भरना पड़ेगा। जनरल एंड ओबीसी से लिया जाएगा 200 रुपीज़ एंड SC ST से 125 रुपीज़। और रही बात की एज आपका कब से कैलकुलेट होगा, सो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st जनवरी 2023, मिनिमम एज 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स आपकी एज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, SC ST एंड OBC को मिलेगा 5 इयर्स का। रही बात क्वालिफिकेशन, तो सिंपली अगर आपने 10th पास कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर व्हाट इज योर परसेंटेज इन 10th, आप सिंपली पास आउट हो, अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें भी आपको कुछ है कि जो ST कैंडिडेट्स है वो अगर 8th पास है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। नक्सली प्रभावित एरिया से यानी नक्सलाइट एरिया के कैंडिडेट सिर्फ 5th पास है तो वो अप्लाई कर देंगे। ड्राइवर की पोस्ट के लिए हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा। अगर आप किसी ट्रेड से अप्लाई करते हो तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रखी गई है। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जाम जो कि होता है 100 मार्क्स का। ऑफलाइन पेपर होगा, पेन एंड पेपर मोड में OMR सीट पे आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। देन होगा आपका फिजिकल, तो फिजिकल भी यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। थर्ड आपका होता है मेडिकल, उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाता है, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर ना दे दी जाती है। आइए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या रखा गया है। तो आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होगा 100 मार्क्स के लिए। टाइम मिलता है 2 आवर्स का। निगेटिव मार्किंग भी होता है 0.25 के लिए। एंड फ्रेंड्स, अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें ना सब्जेक्ट बस बताया गया कि इन चारों सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा, बट कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा ये अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो अभी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बता देती हूँ, अदरवाइज कोई अगर न्यू अपडेट आती है एग्जाम पैटर्न को लेकर तो मैं जरूर आप सभी को इन्फॉर्म करूंगी। यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट है जनरल नॉलेज, देन आपका मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आई होप कि एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। जनरल ओबीसी एंड एससी के मेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे हाइट की जो रिक्वायरमेंट है आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड जनरल ओबीसी एससी की फीमेल्स का 158 सेंटीमीटर। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर। ST कैंडिडेट मेल का जो हाइट रिक्वायरमेंट है मिनिमम 158 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए भी 158 सेंटीमीटर। चेस्ट में यहाँ पे मेल के लिए है 76 to 81 सेंटीमीटर। बस्तर या फिर सरगुजा के ST कैंडिडेट्स के मेल का मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 153 सेंटीमीटर,
फीमेल्स के लिए भी 153 सेंटीमीटर चेस्ट, मेल की रिक्वायर्ड रहेगी 76 to 81। मतलब सिंपली समझिए कि जो भी कैटेगरीज है सब में 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो वेट की रिक्वायरमेंट होती है फीमेल कैंडिडेट्स का, मिनिमम 40 केजी वेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, फिजिकल आप क्वालिफाई कर पाओगे। रही बात की ये तो आपका PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट एंड चेस्ट की मेजरमेंट होती है। इसके अलावा जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है उसमें मेल का ना 1500 मीटर की रनिंग होती है, फीमेल्स के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है। साथ ही साथ आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक का भी यहाँ पर आपका टेस्टिंग होता है। सो एग्जाम पैटर्न एंड फिजिकल आपको क्लियर हो गया होगा। रही बात कि आपको यहाँ पर अगर आपके पास NCC या फिर स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलता है उसका +5 marks ना आपको इसके बेसिस पे ऐड होता है। तो जब आपका मेरिट बनता है ना उस टाइम 100 marks आपके एग्जाम से रहते हैं, 100 marks फिजिकल का होता है और उसको टोटल ओवरऑल मिला के आपका कट ऑफ बनता है। और अगर आपके पास NCC या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो बेनिफिट यही होगा कि उसमें +5 marks आपको, मतलब अदर कैंडिडेट से ज्यादा आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल गया। तो जब आप सब क्वालिफाई कर लेते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको मिल जाता है ज्वाइनिंग लेटर। तो ज्वाइनिंग लेटर के बाद आप ज्वाइन करोगे तो इनिशियली आपको क्या सैलरी दी जाएगी, तो इनिशियली आपको मिलती है 21,700 रुपीज पर मंथ की सैलरी। एंड आफ्टर पर्क्स इन अलाउंसेज एंड पर ईयर इंक्रीमेंट आपकी जो सैलरी है ना 69,100 रुपीज तक हो जाती है। रही बात की जॉब की पोस्टिंग, तो छत्तीसगढ़ के डिफरेंट डिफरेंट जिलों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है। तो अगर क्लियरली आप देखना चाहते हो कि किस जिले का क्या सीट रखा गया है, इसके बारे में और भी कुछ अगर आपको जानना हो तो इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भर भर के लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू फ्रेश जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक जाए। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।